नमस्कार। सीसामऊ विधानसभा का उपचुनाव शुरू हो गया है। हम इस समय राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में हैं। इसलिए सुबह जब से 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है तब से लगातार DIC चर्चा में है कि यहाँ मतदाताओं को रोका जा रहा है। कई तरह तरह की सूचनाएँ आई, लेकिन यहाँ आने पर ऐसा देखा कि सब कुछ नॉर्मल है, बहुत अच्छे तरीके से चुनाव हो रहा है। सुबह 2 चरणों का वोटिंग प्रतिशत जारी हो चुका है। 7 से 9 बजे तक, अभी बार आपको बता दें कि 7 से 9 बजे तक करीब 6% 5.73 के आसपास मतदान हुआ था, और अभी फिर उसके बाद 9 से लेकर 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत जारी हुआ है, जिसमें करीब 16% मतदान हुआ है। इस तरह से कह सकते हैं कि बहुत तेज़ मतदान की गति भी नहीं है। सर्द मौसम है, लेकिन माहौल में पूरी गर्मी है, और बाकी बूथों का भी यही इसी तरह का हाल है। कुछ क्षेत्रों में आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं कि पुलिस रोक रही है, लेकिन जो कंट्रोल रूम से, पुलिस कंट्रोल रूम से या प्रशासन के निर्वाचन कार्यालय से जो कंट्रोल रूम से हमें सूचना है, वहाँ पर इस तरह की किसी तरह की कोई सूचनाएँ नहीं है। सिर्फ एक सूचना ऐसी आई है कि एक जगह पर कुछ देर के लिए मशीन खराब थी, उसे बाद में जल्दी से शुरू कर लिया गया। हर जगह सुरक्षा व्यवस्था तैनात है, जगह जगह चेकिंग हो जरूर हो रही, सुरक्षा व्यवस्था के नाते चेकिंग हो रही है। शहर का एक ही हिस्सा है जहाँ चुनाव हो रहा, बाकी हिस्से में आराम से आवागमन भी जारी है। भैया कैसा चल रहा है वोट में इस समय? जो मतदान है जी, वो अपने चरम सीमा पर है जी, और बहुत अच्छा मतदान चल रहा है, और मुझे लग रहा है मौसम भी हमारे साथ है जी, और मौसम के साथ होने से मतदान अच्छा है। अच्छा, कोई कहीं भी समस्या है, शिकायत आ रही, सूचना आई है कहीं? छोटी छोटी समस्याएँ आ रही हैं जी, जिनको हम सब लोग उच्च अधिकारियों से बात करके उनका समाधान कर रहे हैं। अभी जैसे आपके दयानंद गर्ल्स इंटर कॉलेज में कुछ समस्या आई है, वहाँ पे आपके पार्षद जो है वहाँ बातचीत भी कर रहे हैं, वहाँ बता रहे वोट नहीं डालने, एड्रेस की वजह से वोट नहीं डालने। मैं वहीं पर जा रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, अधिकारियों से बात करूँगा कि इधर क्या कर रहे हैं। मुझे वोट दिखा दीजिए। अभी वोट नहीं डाला, क्या भी नहीं डालेंगे? अब वो डालेंगे शाम अधिकारी एक नहीं, 25 लोग आके उस पीठासीन अधिकारी के, अच्छा एक आदमी हो, 2 आदमी 3 आदमी प्रभारी है मैम, मिलवा पीठासीन हो गया ना, उनका हो गया। आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, इनका भाई साहब, इनका एड्रेस चेंज है, एड्रेस से आप है उसी वार्ड में ना, वार्ड तो वही है, वार्ड 4 का पार्षद खड़ा है आपके साथ। अच्छा नहीं लग रहा है जी मैडम, आई रिक्वेस्ट एड्रेस, नहीं अदर जगह का होता, अदर जगह का, अगर ये किसी और बूथ का होता। अरे मैडम क्या है, हम चले जाएंगे, तुम लोग फर्जी काम करो, यहाँ कुछ बात करना सुन लो, और कैसे पड़ेगा वो भी बताओ। अभी एक करवाया है ना, इसीलिए गेट छोड़ो भाई, गेट पे जाइए,
मैडम से अलाउ करवा के मोबाइल तो नहीं जाइए मोबाइल वाले बाहर फोन डाल चुके हैं वो बाहर आधार तो डालने नहीं दे रहे आधार से तो पढ़ने चाहिए आप लोग सब लोग आ गए क्या दिक्कत है आधार तो डालने नहीं दे रहे आपका क्या दिक्कत है आधार तो डालने नहीं दे रहे क्यों नहीं डालने दे रहे तो डालना है मना कर रहे जाइए लोगों के साथ सबका है आधार है आधार से वोट डालेंगे आप लोग सब एक बार साथ आ जाओ सब लोग लिस्ट के बगैर नंबर निकाल कैसे आधार पहचान पत्र घर पे भूल आए हैं आधार पे तो राशन कार्ड से पा रहा सात चीजें हैं जानकारी लिस्ट में नाम है बगैर लिस्ट के नाम से डालेंगे बच्चे ऐसे ऐसे सब लोग ये पहली डालने दे रहे राजा हमारे उसमें है आप उसकी तरफ बिल्कुल दिमाग नहीं लगाइए रीना जिसको कहे रीना जो कहेगी वो समझो सही है ठीक है ना जैसे लोकल पॉलिटिक्स में आप मत सुनो क्योंकि हमें मालूम है जिनके हाथ में जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं वो उनका सोचना है कि हमारा एकाधिकार बना रहा है तो एकाधिकार नहीं है चुनाव हो सकता है जो भी हमारे लिए आगे चलेगा मैं उसके लिए अपना शरीर का ब्लड तक लाने वाली हूँ ठीक है ना अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।